हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज हैरिक और आप देख रहे हैं ए हैरिक प्रोडक्शन। सो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे जो ग्रीन स्क्रीन है, हम उसको किस तरीके से बहुत इजी तरीके से इसको रिमूव कर पाएं। सो गाइज, कोई भी ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड है तो हम वो बहुत इजी तरीके से उसको किस तरीके से उसको रिमूव कर पाएं और अपनी कोई भी उसकी जगह फोटेज या कोई भी अदर फोटेज हमें जो उसकी जगह प्लेस करनी है उसको हम प्लेस कर पाएं, तो आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए गाइज, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये डाविंची है, हम इसको ओपन करते हैं। सो अगर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको बड़े ध्यान से देखना है। बहुत सिंपल ट्रिक मैं आपको आज बताने वाला हूँ, कोई ज़्यादा टफ ट्रिक नहीं है ये, बहुत बिल्कुल सिंपल ही ट्रिक है, तो आप देखना बहुत अच्छे तरीके से। तो ये हमारा डाविंची ओपन हो चुका है, अभी हम जाएंगे मीडिया टैब में। मीडिया टैब में जाने के बाद हम लोग खोलेंगे अपना जहाँ से वीडियो इम्पोर्ट करनी है वो। हाँ, तो मैंने कुछ फोटेज आपके लिए डाउनलोड करके रखी हुई हैं, सो वो फोटेज ऐड करेंगे। एक मेरे पास ये फुटेज है, मैं आपको दो फुटेज पे करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है ग्रीन स्क्रीन हम रिमूव कर सकते हैं। सो गाइस, ये हमारी फुटेज इंपोर्ट हो चुकी है। ये मेरे पास एक रोड है जो मैंने डाउनलोड किया हुआ नेट से फ्री फुटेज में, और ये है, और एक मेरे पास ये है। सो हम लोग जाएंगे अपने एडिट टैब में। फिलहाल मैं आपको पहले ये करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ मैंने अपनी वीडियो इम्पोर्ट करी, यहाँ से म्यूजिक म्यूट कर देता हूँ। सो गाइस, आपको एक चीज़ देखनी है कि सबसे पहले जो फुटेज है मुझे कहाँ से, मुझे यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ। ये मुझे आगे से थोड़ा ट्रिम करना है और थोड़ा सा मैं इसको पीछे से ट्रिम करूँगा। तो गाइस, ये मैंने पीछे ट्रिम करा। तो गाइस, अभी मेरा जो पार्ट है वो ये है, अभी मेरा जो वर्क है ट्रिम कर लिया, मुझे ये जो ग्रीन स्क्रीन है इसको मुझे रिमूव करना है। तो इसको हम किस तरीके से रिमूव कर पाएंगे, सबसे पहले आपको जाना है कलर टैब में। आप इसको फ्यूजन से भी कर सकते हैं, वो मैं किसी और एपिसोड में बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको सिंपल कलर टैब में जाके बताने वाला हूँ। सो गाइस, कलर टैब में आपको ये एक नोट मिलेगा, ये नोट आपको दिख रहा होगा जैसे मैंने पहले बताया हुआ है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर इसकी नोट की यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एड अल्फा आउटपुट। तो एड अल्फा आउटपुट में क्लिक करना है, तो आपको कुछ इस तरीके से ये अल्फा जो है ये मिलेगा, ब्लू डॉट, ठीक है। तो गाइस, आपको करना क्या है, आपको ये जो ब्लू डॉट है इसको आप इस तरीके से मर्ज करना है, या आप ऐसे मर्ज कीजिए, या आप इसको इस तरीके से मर्ज कीजिए। कैसे मर्ज कीजिए, जो आपको मन करे, या आप उसको इस तरीके से मर्ज कीजिए, दोनों तरफ से मर्ज हो जाएगा, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वालिफायर में जाके जो ग्रीन पार्ट है इसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करोगे लाइक दिस, इस तरीके से, तो अभी हुआ क्या है, अभी जब हमने ये सिलेक्ट किया है तो जो हमारी ग्रीन स्क्रीन है वो उस पार्ट को सिलेक्ट कर लिया है, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो अभी जा चुका है। तो आपको क्या करना है, आपको ये इन्वर्ट करना है। बेसिकली जब आप इसको इन्वर्ट करोगे, तो इन्वर्ट का ये टूल है, इन्वर्ट भी लिखा हुआ है इस पर। तो इन्वर्ट करने का, जब आप इन्वर्ट इस पर क्लिक करोगे लाइक दिस, तो क्या होगा, जो आपका जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो आ जाएगा, जो रियल बैकग्राउंड है जो आपने शूट किया है, और जो ग्रीन पार्ट है वो हमें शो होने लग जाएगा अलग से। तो अभी क्या है, ऐसे इन्वर्ट करोगे वो कुछ इस तरीके से जो है वो नज़र आएगा। तो क्या है, अभी ये प्रॉपर क्लीन नहीं हुआ है, देख रहे हो आप, ग्रीन ग्रीन डॉट्स हैं ये साइड में, एजेस हैं। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इस पर थोड़ा सा वर्क करना है, इसको क्लीन करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से थोड़ा सा सॉफ्टनेस छेड़ेंगे क्वालिफायर में से लाइक दिस। तो आपने देखा ये जा चुका है, पर अभी पूरा क्लीन नहीं हुआ, आप देख सकते हो ये ग्रीन एजेस यहाँ पर। मैं और जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये ग्रीन एजेस है, तो ये आपके अभी है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ब्लैक को बढ़ाएंगे लाइक दिस, थोड़ा सा मैंने ब्लैक पोड़ा है, और थोड़ा इनपुट रेशियो जो है उसको मैं थोड़ा सा बढ़ाने वाला हूँ ये लाइक दिस। तो आपने देखा कि ये किस तरीके से जो है पूरा जो ग्रीन है ये देखिए बिल्कुल आपके सामने है, ये पूरा रिमूव हो चुका है लाइक दिस। देखो मैं आपके लिए जूम कर दिया, पूरा जूम कर दिया मैंने आपके लिए, तो ये देख रहे हो कि ये किस तरीके से जो है बिल्कुल रिमूव हो चुका है ना, इधर भी है और इधर भी नहीं है। तो इस तरीके से आपको पूरा क्लीन अच्छे तरीके से रिमूव कर देना है। उसके बाद हम इसको बैक टू फिट पे जाएंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये जो पूरा वीडियो है ये पूरा ब्लैक हो चुका है। अभी क्या करना है, अभी जाना है एडिट टैब में, और जो हमारी ये फुटेज है इस फुटेज को ऊपर करना है। अभी हम ऐड करेंगे जो फुटेज इसकी जगह हमें इसके अंदर जो हमें प्लेस करना है उसको हम लोग लगाने वाले हैं। तो मेरे पास ये मेरी प्रोडक्शन का मैंने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मैंने ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी हुई है अपनी प्रोडक्शन के बीच की, तो मैं आपको अभी इस पर दिखाता हूँ। तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं करा था, वहाँ पर जाकर मुझे ज़रूर फॉलो करें, और वहाँ पर फॉलो करें ताकि आपको वहाँ पर बहुत सारी ऐसी अपडेट मिलती रहे। तो गाइस, अभी
ये जो है इसको हम रिमूव करने वाले हैं, इसको हम थोड़ा सा क्रॉप करेंगे क्योंकि ये जो रेड रेड आ रहा है, हम यहाँ पे इंस्पेक्टर में जाएंगे। इंस्पेक्टर में जाने के बाद जो टॉप क्रॉप टॉप, यहाँ से टॉप को क्रॉप किया और इसको हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देंगे। जैसे आप एडजस्ट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो अभी क्या है, अभी ये ऑटोमेटिक उसके अंदर एडजस्ट नहीं हुआ, आप देख सकते हो ये एडजस्ट नहीं है। तो अभी हम इसको फिट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो आपको क्लिक करना है इसी फुटेज पे, आपको थोड़ा सा जूम आउट करना है और थोड़ा सी आपकी जो पोजीशन है वो एक्स को साइड में करना है और थोड़ा और जूम करना है लाइक दिस। और अभी इसको थोड़ा सा एक्स इसका वाई इसका नीचे करना है हमको लाइक दिस, इस तरीके से। और थोड़ा सा हमको ये साइड में इस तरीके से कर देना, थोड़ा सा जो जूम आउट है इन है उसको ऊपर करना है, पीछे करना है और थोड़ा ऊपर करना है। तो इस तरीके से ये जो हमारा है स्क्रीन, हमने वो बिल्कुल फिट कर दिया है। तो आप देख सकते हो कितने इजी तरीके से जो हमने है वो जो स्क्रीन है उसको हमने रिमूव कर दिया है लाइक दिस। आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो स्क्रीन है वो हमने रिमूव कर दिया है। तो आप यही चीज़ आप इसी तरीके से आप रिमूव कर सकते हो। देखो मैंने हमने पूरा इसको रिमूव कर दिया है, तो आप देख पा रहे हो कि थोड़ा सा, तो आप देखो हमने किस तरीके से जो स्क्रीन है उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको रिमूव कर दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, तो इसी तरीके से आप जो स्क्रीन है उसको आप आगे रिमूव कर पाओगे, किसी भी तरीके से जो स्क्रीन है आप उसको रिमूव कर सकते हो। बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है, बहुत इजी तरीका बताया है। और आप देख सकते हो कि जो ये है हमारे जो एजेस हैं, यहाँ पर जाता हूँ, ये हमारे जो एजेस हैं यहाँ पर थोड़े से, ये थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम है, बिल्कुल थोड़ी सी। तो इसके लिए हम थोड़ा सा और जो है थोड़ा एडजस्ट करेंगे, सॉरी हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको फिनिश करेंगे लाइक इसका जो रेशियो है वो हम लोग और माइनस में करेंगे लाइक दिस। जैसे हम इसको माइनस में करेंगे तो आप देख सकते हो कि जो हमारा जो स्क्रीन है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मैच हो चुकी है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूँगा, कंट्रोल जेड करने वाला हूँ मैं, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करने वाला हूँ पोजिशन को। अरे रोटेट हो गया, तो आपने देखा कि जो है ये बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल इजी तरीके से कैसे फिट हो गया। तो इसी तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से किसी भी ग्रीन स्क्रीन को आप रिमूव कर सकते हो। जैसे ये बिल्कुल फिनिश हो चुका है, बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है। आई होप कि आपको ये वीडियो में थोड़ा सा कुछ समझ में आया हो। मैं आपको एक और इसी का रिप्लेस करके दिखाता हूँ, मेरे पास ये शॉट पड़ा है, मैं इस शॉट को यहाँ पे लगाता हूँ। सेम मुझे करना है वही जो पहले हमने किया था लाइक दिस। आपको कलर टाइम में जाना है, यहाँ पर आपको थोड़ा ऊपर जाना है, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी फोटोज थी हमने डाली थी वो यहाँ पे आ चुकी है, ओके। तो यहाँ पे सेम आपको एक अल्फ़ा नोड बनाना है। अल्फ़ा नोड के बाद आपको इस अल्फा को इस अल्फा से कनेक्ट करना है, वो कनेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करना है। रिमूव पे करने के बाद अभी ग्रीन स्क्रीन नहीं है, अभी इन्वर्ट नहीं है, तो आपको यहाँ पे इन्वर्ट पे क्लिक करना है तो ये उल्टा हो जाएगा। अभी आपको ये एचेस दिख रहे हैं, आपको ये इन पे थोड़ा सा वो आपको थोड़ा सा सॉफ्टनेस देनी है लाइक दिस। और थोड़ा सा लोग रेशियो देंगे लाइक दिस, थोड़ा सा ब्लैकआउट छेड़ेंगे लाइक दिस। तो आप देख सकते हो कि जो वो जो ग्रीन स्क्रीन है काफ़ी हद तक जो है वो रिमूव हो चुकी है। थोड़ा और अच्छे से करेंगे हम लोग, फिनिशिंग से करेंगे। तो हमने देखा जो ग्रीन स्क्रीन है वो बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग सेम एडिट में जाएंगे और यहाँ पे मेरे पास एक फुटेज है, ये जो फुटेज है मैं इस फुटेज को यहाँ पर ऐड करूँगा लाइक दिस। तो आपने देखा किस तरीके से जो है वो बैकग्राउंड जो है, अभी मैं क्या करूँगा जो ये फुटेज है इसको थोड़ा सा मैं जो मेरी ग्रीन स्क्रीन फुटेज है उसको थोड़ा सा मैं उसकी पोजिशन को नीचे लेके आऊँगा ताकि जो हुआ है नॉर्मल तरीके से पूरा फिट हो जाए लाइक दिस वो लगे कि हाँ। तो गाइस आपने देखा कि किस तरीके से जो हमने है उसको बहुत अच्छे तरीके से पूरा कट कर दिया है। तो आप देख सकते हो, तो यही तरीका है। मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देता हूँ ताकि और अच्छा लगे, इंस्पेक्टर में जाके
थोड़ी इसकी पोजीशन जो है, जो पोजीशन है मैं इसको थोड़ा और अप कर देता हूँ, कंट्रोल चेयर, कंट्रोल चेयर, यहाँ से मैं रिडू करूँगा इसको। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है हमने इसको रिमूव कर दिया है। थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से फिट कर लेंगे लाइक दिस, और थोड़ा सा मैं इसको न्यू कंपाउंड क्लिप करूँगा। इसकी पोजीशन जो है हमारी दोनों क्लिप एक हो गई है, तो इसकी पोजीशन को थोड़ा सा अप कर दूंगा। तो देखा गाइस कि हमने कितने इसी तरीके से जो ये जो हमारी जो फुटेज थी इनको हमने बिल्कुल रिमूव कर दिया है। तो इस तरीके से आप कोई भी जो फुटेज है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से, जो ग्रीन स्क्रीन का बैकग्राउंड है उसको आप रिमूव कर सकते हो अपने तरीके से। सो गाइस आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपको समझ में आया हो, आई होप कि आपको ये छोटी सी जो नॉलेज थी ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया हो कि किस तरीके से जो हमारी जो ग्रीन स्क्रीन है उसको हम अच्छे तरीके से रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी चीज़ अगर समझ में आई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो कि ये जो आपका जो भी प्रॉब्लम आई है वो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ताकि मैं आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। आई होप कि आपको छोटा सा ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो कि जो ग्रीन स्क्रीन है उसको हम किस तरीके से इजी तरीके से रिमूव कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका था। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको जिस भी टॉपिक का वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना। ऐसे ट्यूटोरियल बहुत सारे मैं आप लेके आता रहूँगा। आई होप कि आपको ये सब कुछ पसंद आ रहा हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।